Hi everyone, welcome back to State Study. Friends, these are the most important questions of history and especially for MU, JMI, BHU, all the Central Universities entrance exam. Before that, we have uploaded 4 more videos. If you have not watched it till now, then watch it now. After that, you'll start the part 5. Okay, so let's start the video. So our first question is, who was the first woman president of INC, means Indian National Congress? Answer is Annie Besant. Guys, देखिए हमने इसके पहले जो part 4 upload कर चुके हैं उसमें हमने discuss किया था कि Indian National Movement का मतलब वो president थी. Actually क्या है वो Indian National मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जितना सारा था तो इसके अंदर ये भी आता है. ठीक है, तो फिर हमने ये मेंशन करने को भूल गए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट थी. ठीक है, तो पहला प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट. देन जॉर्ज योले हो गया, जॉर्ज योले हो गया क्रिश्चियन प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड बदरुद्दीन तैयब जी हो गया फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, बदरुद्दीन तैयब जी. आपका मतलब फोर हमने जो डिस्कस किया है अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे आप लोग आपको मिल जाएगी. एंड ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ द होली सिटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर सिटी का फाउंडर कौन थे? आंसर इज गुरु रामदास. देखिए ये कब फाउंड किया गया था? इंडिया ने 1577 को. एंड ये रामदास जी जो फोर्थ गुरु थे सिख के, एंड वो जो अमृतसर जो सिटी है मतलब यहाँ पे क्या टेंपल गोल्डन टेंपल मौजूद है. ठीक है, एंड ये किन्होंने ये गिफ्ट किया था? मुगल एम्पायर अकबर ने ये लैंड गिफ्ट किया था फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्डन टेम्पल. ठीक है, एंड गुरु रामदास जी ने क्या किया था? ऑर्डर दिया था वो डिग करने के लिए सेक्रेट टैंक, जो जिसका नाम है सेक्रेट बोला था पवित्र एक टैंक या पुल आप बोल सकते, जो जिनका नाम है अमृता सराज. एंड इसके नाम से ही अमृता सराज, एंड इसके नाम से क्या है वो सिटी का नाम आया है अमृतसर. ठीक है, अमृता सराज जो क्या था एक ये क्या नाम है इसका एक सेक्रेट टैंक का नाम है जहाँ पे ये गोल्डन टेंपल अभी मौजूद है, और इसी नाम से ही ये नाम आया था अमृतसर. ठीक है, एंड ये कहाँ पे लोकेटेड है? पंजाब. ठीक है, देन हु इंट्रोड्यूस रुपी इन इंडिया फर्स्ट टाइम? किन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था रुपी इंडिया में? आंसर है शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने जो रुपी इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में वो इसका नाम है डैम. ठीक है, डैम वो ये वाला वॉज अ स्मॉल इंडियन कॉपर कॉइन. ठीक है, जो कि मतलब इन्होंने पहली बार ये लागू इंट्रोड्यूस किया था रुपी को इन मतलब जितना सारा डिनेस्टी थी सबसे पहले इन्होंने, बाद में मुगल डिनेस्टी सब ने मतलब यूज़ किया था, इसके बाद यूज़ हुई थी, पर सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था जो कि स्मॉल जेम थे इंडियन कॉपर कॉइन. ठीक है, देन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू गेट भारत रत्न अवार्ड? वो कौन सी पहला वुमेन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिली थी? आंसर इज इंदिरा गांधी. देखिए इंदिरा गांधी को क्यों मिला था, कब मिली थी? ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर, जब इंडो पाकिस्तानी वॉर हो रही थी, कब हो रही थी? 1971 को. इंडिया एंड पाकिस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों जब इंडिया से अलग हुए थे टू नेशन थ्योरी की वजह से, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक साथ थे. इसके बाद क्या हुआ था,
बांग्लादेश चाहते हैं वो लिबरे मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तो इसी वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। इसी के दौरान इंडो एंड पाकिस्तान मतलब ये दोनों का वार चल रहा था अलग होने के लिए। और इसी टाइम के टाइम मतलब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ही अपना बहुत सा अपने बहुत सपोर्ट किया था इस मूवमेंट में, और जो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, और इनका ही हेल्प का बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हिस्सेदार है मतलब हमारा इंडिया का, जो इन्होंने जो सब गार्ड भेजा था मतलब जितना फौजी भेजा था उसी के हेल्प के लिए उनको लिबरे मिला था, यानी इंडिपेंडेंस मिली थी उससे क्या पाकिस्तान से। एंड उसी दौरान उनको ये रिसीव किया था इन्होंने भारत रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड है, सॉरी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। तो ये कब मिली थी, ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तानी वॉर, जब 1971 का जब वो चल रही थी तब इन्होंने सपोर्ट किया था बांग्लादेश को, और इसी के बाद ही मतलब उनको वो भारत रत्न अवार्ड मिली, ठीक है। देन हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अहम किंगडम, पहला अहम किंगडम के पहला किंग कौन थे, आंसर इज सुकाफा। सुकाफा वो कब आए थे इंडिया, 1228 को, ये 1228 AD को ये आए थे इंडिया पे। एंड वो इंडिया पे आए थे तो कहाँ पे, मंगमाओ से ये आए थे। कहाँ आए थे, इंडिया के ब्रह्मपुत्र वैली, सॉरी इंडिया की आसाम स्टेट में, जहाँ पे आसाम दो हिस्सों में मतलब दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे एक है ब्रह्मपुत्र वैली एक है बराक वैली। तो ये जो आया था सुकाफा ये आया था ब्रह्मपुत्र वैली में, क्रॉसिंग करके क्या पटकाई माउंटेन पार करके ये आसाम में आया था, और कहाँ पे आया था, ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर किया था, और वहाँ पे आके रोल स्टार्ट किया, ठीक है। देन हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ अहम किंगडम के सबसे लास्ट किंग कौन थे, आंसर इज पुरंदर सिंह। देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई हुम एंड व्हिच ईयर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1920 को, एंड किन्होंने स्टार्ट किया था, ये एम के गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंड इसका एम था, मेन पर्पस क्या थी, कि सेल्फ गवर्नेंस लाना है, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री करनी है, एज वेल एज ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस, मतलब ऑब्टेन करनी है फुल इंडिपेंडेंस मीन्स पूर्ण स्वराज्य, चाइना मतलब अभी जैसे है इंडिपेंडेंट है हम, हमारा गवर्नमेंट भी है मॉल कर रही है हम सबको, मतलब एक कंट्री का गवर्न कर रही है, एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, तो इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंट अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं, इसका मेन मकसद ये थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, स्टार्ट हुई थी 1920 को, ठीक है। देन स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय हुम एंड व्हिच ईयर, देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका कवर हो गया है, एक है क्या किन्होंने ये फाउंड किया था स्वराज पार्टी को, स्वराज पार्टी को किन्होंने फाउंड किया था, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था, एंड कौन सी ईयर पे, इन द ईयर 1923 को, ठीक है। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन व्हिच ईयर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुई थी वो कौन सी ईयर पे हुई थी, 1930 को, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देन हुई थी मतलब दिस थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड वन आफ्टर अनादर, एंड देखिए सेकेंड वाला हुआ था 31 को, देन हुआ था 1932 को, एंड दिस ऑल आर हेल्ड ऑन लंदन पे हुई थी ये सब, ठीक है। एंड
1930 का फर्स्ट वाला, देन हो गया सेकंड वाला, देन ये थर्ड वाला 1932 को, ठीक है। देन गांधी अरविंद पैक्ट वॉज साइंड इन व्हिच ईयर, गांधी जी ने अरविंद पैक्ट को कौन सी ईयर पे साइन किया था, 1931 को साइन किया था। एंड इन ये कब साइन हुई थी देखिए, जब अटैक हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था ना, तो इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद अटैक हुई थी, जो कि 100 and 1000 people इतना सारा लोगों को क्या किया था, कैद कर दिया गया था, मतलब अरेस्टेड। एंड चिल्ड्रेन एंड वोमेन वेयर बीटन, बच्चे को वोमेन को बहुत मार रहे थे ये लोग। एंड गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया था, गांधी को। हाँ, फिर क्या हुआ था, गांधी जी तो प्रिजन में थे और ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे, क्योंकि उनका जो मेन लीडर है उनको कैद कर दिया गया प्रिजन में, और प्रिजन और जेल आप बोल सकते हैं, मतलब जेल में उनको रख दिया गया। फिर उनको मतलब बाहर आने के लिए लोग इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे, और ये लोग रुकावट नहीं कर पा रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे थे। फिर ये लोग क्या किया, उसी के दौरान इतने लोगों को कैद भी कर दिया, लोगों को मार पीट रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे। फिर ये लोगों ने क्या किया था कि एक मतलब ब्रिटिशर्स लोगों ने सोचा कि अगर क्या मतलब ये अगर गांधी जी के साथ मिलके एक साइन कर ले और यही संभाल ही पाएंगे मतलब इन लोगों को। तो फिर क्या हुआ था, गांधी जी के साथ बैठ के एक पैक्ट साइन किया था, जिसका नाम है गांधी अरविंद पैक्ट, जो कि लॉर्ड अरविंद एंड गांधी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया था लॉर्ड अरविंद। एंड इसके बाद मतलब उसको उनको छुटकारा मिल गया था प्रिजन से। एंड लॉर्ड अरविंद प्लस गांधी, तो मिलके क्या है, गांधी अरविंद पैक्ट, गांधी अरविंद पैक्ट, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड और एक बात है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, मतलब हम पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन मतलब आपको सिलेक्शन होना ही है। सबको जिन लोग भी पढ़ रहे हैं सही से अपने 100% दे रहे ऑनेस्टी से पढ़ रहे हैं, आपको मिलना ही है इंशाल्लाह। और जो पढ़ते हैं ना उनको मिलता ही है सही से। और क्या है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और इससे आपको प्रिपरेशन भी सही जाएगा, ठीक है। और आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें वो ना, हमारे पास नाच गाइड है एंड हम वहाँ से प्रिपेयर करें या नहीं, तो ये बहुत एक बेस्ट है, हमने भी इससे प्रिपेयर किया था। लेकिन इससे नहीं, सिर्फ आपको ये वीडियोज़, ये सब वीडियोज़ भी देखनी है, मतलब जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो सारा गेन करनी है, ना ही एक पे डिपेंड होनी है। और इसमें भी जितना पढ़ रहे हैं ना बहुत सही से पढ़नी है, कि नहीं इसमें से आएगा तो मुझे ये अटेम्प्ट करनी है, ऐसे करेंगे ना इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें कोई घबराने का कोई नहीं है। और आपके पास बुक है तो बहुत सही है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन फ्री फील टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। बाय बाय।